वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। कोरल ड्रो डिज़ाइनिंग में हम आज एक कस्टम लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं और आप भी इसी तरीके से कोई भी लोगो, कोई भी कस्टम शेप को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है जिसमें हम ग्रिड लाइन को लेते हुए यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं। अब इस सेंटर पॉइंट से हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर शेपिंग को यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमने इन दोनों शेप को, जो कि रेक्टेंगल है और हमारा यहाँ से हमने सर्कल बना रखा है, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से एक बार फिर से डिज़ाइन कर लेते हैं और डिज़ाइन करने के बाद हमें इन दोनों शेप को कर देना है वेल्ड। वेल्ड करने के बाद हमें यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल को ड्रॉ करते हुए यहाँ से थोड़ा की थोड़ा हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिससे पूरा के पूरा गैप हमारा ठीक रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना रहे। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, ये सर्कल थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इसे थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हमारा इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यूज़ करना है हमें ट्रिम का। आप देखेंगे ट्रिम के बाद यहाँ पर इस तरीके से शेप बची है और इसे हटाने के बाद हम बाकी की लाइनों को भी यहाँ से हटा देंगे। इस तरीके के बाद इसको हम कोई भी कलर फिल कर देंगे। कलर फिल करने के बाद हमें इसके डुप्लीकेट बनाने हैं। आपको ओल्ट के साथ F8 की को प्रेस करना है। ओल्ट F8 की प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से इसका रोटेशन कर देना है। आपको डालना है 270 डिग्री में इसकी एक कॉपी और यहाँ से करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे माउस से खुद सेट करना है, कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद इसको माउस से आप सेट करेंगे या आप कीबोर्ड से कीज़ को भी अप एंड डाउन से सेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट जैसे ही दबाएंगे फिर से आपको इसी तरीके की शेप दिखेगी। आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं कलर का। चेंजेस करने के बाद इसको भी आपको माउस के साथ खुद सेट करना होगा अप एंड डाउन की का इस्तेमाल करते हुए, और फिर से कंट्रोल डी यहाँ से कलर चेंजेस कर लेना है। तो ये जो हमने शेप बनाई थी, इस कस्टम शेप को हम यहाँ से डिज़ाइन कर रहे हैं। सिलेक्शन सभी का कर लेना है और इसको हमें 45 डिग्री में रोटेट कर देना है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करते हुए आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जिस शेप पर आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कस्टम डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। आप चाहें तो राइट क्लिक करके आउटलाइन इसकी हटा सकते हैं।